समय चाहिए। और वास्तविकता ये है कि जब तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री न पढ़ा जाए, ब्रिटिश का संविधान जो है वो समझ में उतना नहीं आएगा। बाकी तो आप सारे मिनिस्टर हैं, याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री की याद कर लीजिए, कर लीजिए, ये सब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, संसद है, सम्राट है, प्रिवी काउंसिल है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये सब चीजें कैसे अस्तित्व में आई, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे स्वाभाविक ढंग से विकास हुआ, और कभी सोचा समझा प्रयास नहीं था उनका। इसीलिए ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता है कि चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। सुना नहीं सुना? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। कभी कभी उन्होंने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और कभी कभी संयोग से ये चीजें उभर करके आई। कल हमने थोड़ा सा डिफरेंस दिया था, हालांकि इसके बैक हिस्ट्री में भी जाना चाहिए। पहले संसद, संसद के संसद कैसे बनी, संसद का की शुरुआत में संसद का क्या नाम था, कोई बताया बच्चा क्या नाम था संसद का पहले? आज जो पार्लियामेंट है जिसको हम संसद कहते हैं, इसका पहला, इसका प्राचीन नाम क्या था? शताब्दी में इसका नाम था, जब इसकी शुरुआत हुई इसका नाम था, लिखो लिख लो, विटन, विटन विटना जुमोट, विटना जुमोट इसका नाम था, विटन विटन विटना जुमोट, विटना जुमोट। एक्चुअली उस समय सम्राट के राज दरबार का राज दरबार हुआ करता था। उस राज दरबार में राजा के लड़के, राजा के मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, जो उसके परम अच्छे सलाहकार थे, जो खास थे, जमींदार, सामंत, ये लोग उसके सदस्य हुआ करते थे और सम्राट उनसे सलाह लेकर के काम करता था। यद्य राजा संप्रभु था, संप्रभु का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा के अलावा किसी की इच्छा से बांध देना होना संप्रभु होना। कोई वैधानिक सत्ता जो है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती, कोई भी, वो स्वयं अपनी इच्छाओं के अनुसार ही निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो है वो संप्रभु कहा जाता है। तो राजा संप्रभु था, उसके पास विशाल शक्तियां थी और तब ये संस्था जो थी वो मात्र सलाहकारी संस्था थी, परामर्शदात्री संस्था। और यही जाकर के 9वीं शताब्दी में मैग्नम काउंसिलियम में कन्वर्ट हो गई। इसका नाम जो है विटन से क्या हो गया? मैग्नम काउंसिलियम, लिख लो, विटन के बाद मैग्नम काउंसिलियम। इसी को हिंदी में कहा गया महान परिषद, महान परिषद। यही मैग्नम काउंसिलियम काम करते, ये देखिए यही मैग्नम काउंसिलियम थी। अब चूंकि देखिए सम्राट जब कोई राज्य चलाता, राज्य चलाना, शासन चलाना काम वो करता था, अकेले तो कोई काम कर नहीं सकता है, स्वाभाविक रूप से उसको दूसरे मदद लेनी पड़ेगी। तो जो सलाहकारी संस्था थी उसी में से एक छोटी संस्था ने जन्म ले लिया। सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं।
अपने यहाँ घर में शादी ब्याह होता है, आप देखिए 10 लोग बैठे रहेंगे, हाँ सब होते हैं, लेकिन जो वर्किंग है होते हैं बड़े तेज तरह, वो अलग होते हैं, उनका शुरू भी अलग, उनका रोया अलग होता है। तो उसी में से जो पार्लियामेंट की जो मैग्नम काउंसिल थी, जो महान परिषद थी, जो सलाहकारी संस्था थी, उसी में से एक छोटकर्मी संस्था ने जन्म लिया यूरिया रेजिस। अब जो है जो आप संसद में 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार में 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका के रूप में अब संसद का प्रादुर्भाव हो रहा है, धीरे धीरे पर संसद की ओर बढ़ रही है संस्था, और उसी में से एक छोटकर्मी संस्था यूरिया रेजिस जो कार्यपालिका के रूप में बाद में जाने लगी। संजोग की बात थी, एडवर्ड प्रथम राजा था, उसको कुछ ज्यादा धन की आवश्यकता थी, बड़ी कानाफूसी होगी थी, सामंत लोग आपस में विरोध भी करते थे, भाई अब सम्राट हमसे जो भी कर लगावे, जो भी टैक्स लगाए, वो कम से कम हमसे पूछ लें, हमसे सलाह ले लें, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आपको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, कानाफूसी करते थे। ये चीजें जो है सम्राट को धीरे लगी, तो उन्होंने कहा कि बेस्ट ये है युद्ध में युद्धरत था वो, तो ऐसी ब्रिटेन तो ऐसी स्थिति में उसको धन की आवश्यकता थी। तो एडवर्ड प्रथम ने 1290 में एक संसद एक बड़ा सा सम्मेलन किया जो जिसका नाम मॉडल पार्लियामेंट पड़ा। अब देखिए मैग्नम काउंसिल नियम से क्या हो गया, मॉडल पार्लियामेंट आदर्श 1290 में। अब इस 1290 में जो पार्लियामेंट बुलाई गई, संसद का जो सम्मेलन हुआ, बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें तीन प्रकार के लोग आए, एक तो सामान्य जन, दूसरे सामंत, जमींदारी व्यवस्था में कर कौन देता है, सामान्य किसान, सामान्य आदमी देता है, और टैक्स कलेक्टर होता है, जमींदार वो सुनते थे टैक्स, कुछ अपने पास रखते थे और कुछ जो है राजा को देते थे, तो वो क्या थे मीडिएटर थे, टैक्स पेयर जो होता है, जो कर देता है वो कम से कम कर देना चाहता है, और जो कलेक्टर होता है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, राजा ज्यादा धन चाहता है, सामंत ज्यादा धन चाहते थे, तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक मतभेद होगा, है कि नहीं है, वो कहेंगे भाई इसमें कम और कम लगाइए आप, इसमें और कम होना चाहिए, इसमें और कम होना चाहिए। तो उसमें ये जो पार्लियामेंट जो थी वो एक्चुअली 3 भागों में पड़ गई, सामंत लोग, साधारण लोग और कुछ पादरी वर्ग के लोगों को भी बुलाया गया, जो चर्च के वो थे विशप थे बड़े बड़े, उनको भी बुलाया गया था, ये भी बड़े बड़े जमींदार थे, राजा को धन की आवश्यकता थी, लिहाजा उन्होंने उनको भी आमंत्रित किया। ऐसे उस सम्मेलन में बाई द वे संयोग की बात थी, कहावत है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक रंग के पक्षी जो है वो एक जगह बैठते हैं, एक विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो ये जो है इस मॉडल पार्लियामेंट में दो ग्रुप हो गया, सामंतों और बादलियों का एक ग्रुप हो गया और साधारण लोगों का एक ग्रुप हो गया। यहीं पर पार्लियामेंट जो है भी सदनात्मक, आज जो पार्लियामेंट संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इंग्लैंड में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, लॉर्ड सभा उच्च वर्ग के लोगों का सदन है और कॉमन सभा निर्वाचित लोगों का सदन है। अब आप सोचिए 1290 में ये घटना न घटी होती तो शायद भी सदनी शासन प्रणाली का जन्म न हुआ हो, है कि नहीं। इस तरह से संयोग की बात, इस
इसी तरह से पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो बड़े अच्छे ढंग से स्वाभाविक ढंग से इसे विकसित होते होते कभी अब जैसे कल हमने आपको बताया था मंत्रिमंडल में सर रॉबर्ट बालपुर का नाम क्या था याद ही नहीं आता पहले प्रधानमंत्री विश्व के पहले इंग्लैंड पहले प्रधानमंत्री और विश्व के पहले प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट बालपुर इसके ये मैं एक रेफरेंस देने के लिए किया था इसके पहले थोड़ा सा और चले आएंगे संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जिसको मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति भी कहते हैं उस मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति में मंत्रिमंडल एक मंत्रिपरिषद एक शब्द है मंत्रिपरिषद जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद और उसी मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण भाग जो है वो मंत्रिमंडल होता है। अब देखिए मंत्रिमंडल कैसे जन्म लेता है ये भी बहुत मजेदार किस्सा है। बहुत ही 1660 में चार्ल्स द्वितीय सम्राट हुआ 1685 तक उसने शासन किया। उसने जो मंत्री होते थे वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। अभी संसद के प्रति जो है वो मंत्रिमंडल उत्तरदायी नहीं था। आज क्या है आज के मंत्रिमंडल तभी तक काम करता है जब तक कि उसको सदन का विश्वास प्राप्त रहे। संसद में विश्वास का जैसे अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल में और मंत्रिपरिषद में अंतर हुआ। चार्ल्स द्वितीय था उसने अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया तो मंत्रिमंडल का स्वरूप विस्तृत हो गया बृहत हो गया तो उसने अपने खास खास चमचों को जो उसके खास खास चमचे थे जो उसके उनके मुंह लगे थे या जो उनकी सम्राट की बातों को मानने के लिए तैयार थे उनको वह अपने कमरे में बुलाया उसने कमरे में बुलाया और अपने केबिन के पास बैठाया। अब देखिए ये कैबिनेट मिनिस्टर है कैबिनेट माने क्या होता है कैबिनेट माने होता है फ्रेम कैबिनेट माने होता है फ्रेम ये हमारा कैबिनेट है ये। अब वो जो मंत्री उसके कैबिनेट में बैठे अन्य मंत्री थे और जो खास खास मंत्री थे उसके कैबिनेट में बैठने लगे तो उस समय ईर्ष्या बस सब लोगों ने किनारे भैया की क्या बात है वो केबिन वाले मंत्री ये सब जो है ईर्ष्या के फलस्वरूप आया केबिन वाले मंत्री अरे भाई आपकी क्या है खास और भाई केबिन वाले मंत्री ये मंत्री थे पांच। हम पांचों मंत्रियों के नाम बता रहे हैं जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कबाल CABAL लिख लो कबाल CABAL कबाल CABAL ये पांचों मंत्रियों के नाम के पहले अक्षर हैं इसलिए इनको मिलाकर के कबाल कहा गया। सी से क्लिफोर्ड CA से ऐसले फिर बी से बकिंगम फिर ए आया दूसरे फिर दूसरे वाले से आर्लिंगटन और फिर अंत में क्या आया एल से लॉडरडेल। ये पांच मंत्री जो है उसके कैबिनेट में बैठने लगे। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में भेद पैदा हो गया। उसी बड़े मंत्रिपरिषद में अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ
उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट जो है वो महत्वपूर्ण निकाय हो गया। आज मंत्रिमंडल का गठन होता है जिसमें भारत में जो मंत्रिमंडल हम भारत के संदर्भ बता रहे हैं जिसको आसानी से आप लोग जानते होंगे समझते होंगे, ये मंत्रिमंडल जो है कई स्तरीय होता है। टायर उसी कहा जाता है 3 टायर मिनिस्ट्री, 4 टायर मिनिस्ट्री, 5 टायर मिनिस्ट्री। इंग्लैंड में नॉर्मली 5 टायर मिनिस्ट्री होती है, भारत में भी कभी हुआ करती थी लेकिन इस समय भारत में 3 टायर मिनिस्ट्री होती है। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये 5 प्रकार के मंत्री होते हैं इंग्लैंड में। भारत में कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, 3 टायर मिनिस्ट्री होती है सामान्य तौर से भारत में। इस तरह के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। सारे मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। सारे मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर भी, स्टेट मिनिस्टर भी, डिप्टी मिनिस्टर भी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी, सबको मिलाकर के उस निकाय को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसी का महत्वपूर्ण अंग, सर्वाधिक शक्तिशाली अंग, या यूं कह लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य संचालक यंत्र मंत्रिमंडल होता है। ये जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अपने विभागों से संबंधित समस्त निर्णय लेते हैं। इनकी बैठक जो है अन्य मंत्रियों से अलग होती है, पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती, हमेशा मंत्रिमंडल की बैठक। उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को उसमें आमंत्रित कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर से जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें सिर्फ कैबिनेट के ही मंत्री भाग लेते हैं। यही इंग्लैंड में भी होता है और यही भारत में भी होता है। भारत में भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड के शासन प्रणाली के ही अनुरूप काम करती है। फर्क इतना यह है कि इंग्लैंड में सारी चीजें अलिखित हैं, परंपराओं पर आधारित हैं। ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, परंपरा लिखित कहीं लिखा नहीं है। कुछ लिखित संविधान का आप वर्गीकरण करते हैं या कैसे वर्गीकरण करते हैं? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो विश्व का अकेला एकमात्र इंग्लैंड का संविधान है जो अलिखित है। हालांकि आप बाद में बहुत सारी चीजें लिखी भी जाने लगी हैं, बहुत चीजें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए सम्राट के बीच में, सामंतों के बीच में, जैसे मैग्ना कार्टा, लैंडमार्क ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानवाद की पहली शुरुआत जहां सम्राट के अधिकारों का पतन प्रारंभ होता है। मैग्ना कार्टा के पहले तो सम्राट परम शक्तिशाली था, उसको झुकना पड़ा सामंतों के सामने। हालांकि समझौता जनता के बीच में और सम्राट के बीच में नहीं था, ये सामंतों के बीच में और सम्राट के बीच में था, लेकिन फिर भी राजतंत्र जो है वो पतन की ओर उन्मुख हुआ और लोकतंत्र जो है बढ़ने लगा, उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। और वही बढ़ते 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 आज स्थिति क्या है कि राजतंत्र होते हुए भी वास्तविक रूप से इंग्लैंड में लोकतंत्र आइडियल डेमोक्रेसी है। उतना बढ़िया लोकतंत्र जो है विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जो चीज नष्ट की गई हो और फिर भी उसका अनुपालन हो रहा है। उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों में कहते हैं, संवैधानिक शब्दों में कहते हैं अब समय, कन्वेंशन, परंपराएं। इंग्लैंड के बारे में आता है क्लासिक लैंड ऑफ कन्वेंशन, अब समयों की शास्त्रीय भूमि है, पूरा संविधानी परंपराओं पर आधारित है, कुछ को छोड़कर। इसलिए गार्डन ने परिभाषा करता है लिखित संविधान की, अलिखित संविधान की, वो कहता है, कुछ लोगों ने कहा है जाएंगे बहुत पीछे जाएंगे गर्व हो जाएगा, कहा कि इंग्लैंड संविधान ही नहीं है। दो फ्रेंडवान करते हैं और टॉप मिले उनका, इंग्लैंड का संविधान ही नहीं है क्योंकि संविधान लिखा नहीं गया है।
कोई किताब लाकर दिखाइए, आप बताइए, आप अभी लाइब्रेरी चले जाते हैं, इंग्लैंड के संविधान के नाम की कोई किताब आपको नहीं मिले। इंग्लैंड के संविधान में, संविधान के बारे में विद्वानों के विचार तो मिलेंगे आपको। बेठार ने विचार दिया होगा, लास्की ने विचार दिया होगा, जार्नल ने विचार दिया होगा, लेकिन विचार संविधान नहीं होता है। संविधान तो लेकिन डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरह फ्रेंच विद्वान ने कहा वहां समझा ही नहीं है। तो गार्नर ने इसकी परिभाषा की कि कोई जरूरी नहीं कि संविधान लिखा ही जाए, संविधान का पालन होना चाहिए। आप बहुत लिख दीजिए और संविधान का अनुपालन कीजिए तो क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब बहुत कानून बनाया जाता है उसका अनुपालन नहीं होता, बेकार है पालन। पुलिस दस्तावेज में रह किसी तक खत्म हो जाता है और जिसका पालन इंग्लैंड में तो अब समयों का पालन होता है। वे नैतिकता के नियम हैं, वे खेल के नियम हैं। यही नहीं, उन अब समयों का अनुपालन न हो तो लिखित कानून जो है वो प्रभावित होते हैं, समाप्त होते हैं। तो कानून कहता है कि मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। इतनी मात्रा में कौन सा संविधान लिखा हुआ है, कितनी मात्रा में संविधान नहीं लिखा हुआ है। अधिकांश भाग चूंकि अलिखित है, लिहाजा इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है और अमेरिका का संविधान पहला विश्व का पहला लिखित संविधान है। उसका अधिकांश भाग जो है वो लिखित है, इसलिए लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। तो जो भेद किया जाता है वो किसी भी चीज का आप देख लीजिए 100% विभेदन जो है मुश्किल है। तो इसी तरह से जब मॉडल पार्लियामेंट जन्म हुआ तो फिर वही पार्लियामेंट धीरे धीरे शक्तियों को प्राप्त करती रही और अंत में 1688 में इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हिस्ट्री के विद्यार्थी भी तो होंगे, बताओ कौन सी बात क्या बता इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवोल्यूशन। उस ग्लोरियस रिवोल्यूशन में सामंत और सामान्य लोग आपस में व्यवस्था के संचालन हेतु, करों के निस्तारण हेतु, करों को लगाने हेतु, व्यवस्था को बनाने हेतु, कानूनों को सुनिश्चित करने हेतु, माट बाप माट ये वो है माप तोड़ने वाला, इसके लिए न्याय व्यवस्था के लिए सबके बीच में समझौता हुआ और वहीं पर संसद जो है वो सम्राट से सर्वोपज होनी शुरू हो ग्लोरियस रिवोल्यूशन के बाद। क्यों? क्योंकि 1695 के पहले 1695 में क्वीन एन रानी थी, एन तो क्वीन एन जो थी वो इस परंपरा को मानने लगी कि मंत्रिमंडल को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और वो संसद मंत्रिमंडल पर अपना नियंत्रण रखें। अब देखिए चार्ल्स द्वितीय के पीरियड में मंत्रिपरिषद शब्द भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, मंत्रिमंडल में विभेद हो गया था, मंत्रिपरिषद में विभेद हो गया था, सब कुछ था, लेकिन तब तक मंत्रिमंडल 1695 के पहले मंत्रिमंडल जो है वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, वो सम्राट के द्वारा बनाया जाता था। आज भी बनाया जाता है लेकिन फर्क क्या है, आज वो संसद के प्रति उत्तरदायी, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। संसदीय शासन 1695 में क्वीन एन ने डिसाइड किया कि मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति कर इस परंपरा का पालन क्वीन एन के बाद जर्मन प्रिंस कल ने आप बताया था चार वो जॉर्ज प्रथम राजा थे
इस परंपरा का उन्होंने पालन किया, क्योंकि वो जर्मन थे, जर्मन भाषा जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, लिहाजा उनको जो है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने में परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठकों को कहा कि आप मंत्रिमंडल की अपनी बैठक कर ले, और यह तो प्रधानमंत्री पद का प्रादुर्भाव हुआ। 1714 में हमने आपको कल बताया था, 1714 में प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व आया। अब देखिए कहां 1714, ये पद अस्तित्व में तो आ गया, लेकिन इसको कोई कानूनी मान्यता नहीं था। इसको सबसे पहले ब्रिटिश हिस्ट्री में कानूनी मान्यता मिली 1937 में, जब इंस्टीट्यूट ऑफ प्रेस मिनिस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद को का उल्लेख किया गया, और इस पद का इस पद के उल्लेख के फलस्वरूप उसका नामन क्रिया हुआ, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। आज जो प्रधानमंत्री जो अपनी तनख्वाह लेता है, जो वेतन लेता है, वो इसी तरह से पुरस्कृत करता है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इसके पहले लिखित पठंत में लिखित सरकारी दस्तावेज 200 वर्षों तक प्रधानमंत्री पर चला रहा, लेकिन लिखित पढ़ाते पहली बार जो है उपयोग में आना शुरू हुआ रिटेन डॉक्यूमेंट में। सर रॉबर्ट वॉलकोट प्रधानमंत्री हुए, और सर रॉबर्ट वॉलकोट इस जमाने में संसदीय मंत्रिमंडलीय शासन परिषद के तमाम सिद्धांतों का जन्म, जैसे उन्होंने कहा कि हम बहुमत, जिस दल का बहुमत है उस बहुमत दल से हम मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करेंगे, मंत्रिमंडल बहुमत के समर्थन पर काम करेगा, और बहुमत उसका समर्थन देगा, दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वासी हो गए, दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हो गए, मंत्रिमंडल संसद के पद और संसद मंत्रिमंडल के पद। क्योंकि संसद से ही मंत्रिमंडल का प्रादुर्भाव हुआ है, तो मातृ संस्था क्या है, वो संसद है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल तब तक काम करेगा जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त है। आज मोदी की सरकार है, आज पार्लियामेंट की बैठक हो, संसद की बैठक हो, लोकसभा राज्यसभा की बैठक हो, तो लोकसभा जो है यदि विश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को तुरंत त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली में कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिदिन का उत्तरदायित्व पाया जाता है, जबकि इसके भी विपरीत अंग्रेजी अमेरिकी शासन प्रणाली में डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 4 साल के रास्ते चुना जाता है, तो विशेष परिस्थितियों में ही अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, अन्यथा जो है राष्ट्रपति जो है वो 4 साल जिनकी उसकी कुर्सी पक्की रहे, पर वो बस और खासतौर से व्यक्ति भले चला जाए लेकिन राष्ट्रपति का पद 4 वर्ष तक निश्चित काम करेगा। सपोज कीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति नया नया चुना गया है और वो अपना वो पढ़ रहा है, तो वो शपथ पत्र मैं फला इससे काम करूंगा, मैं इसका शपथ लेता हूं, जो उसका इसकी शपथ लेता है वो है, मैं शपथ लेता हूं, और उसी में जो कहा हार्ट अटैक हो जाए वही मर जाए तुरंत कुर्सी बैठे बैठे लोग जाए, तो क्या होगा, राष्ट्रपति का नया चुनाव नहीं होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है तत्काल उस कुर्सी पर बैठ सकते, और रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए जो बचा हुआ समय है वो तब तक काम करेगा, अर्थात चुनाव कितने दिन बाद होगा, 4 वर्ष। और संसदीय शासन प्रणाली में आज प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे और प्रधानमंत्री कह दे कि नए चुनाव कराए जाएंगे, तो कल से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। इसीलिए कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा नहीं जाता। जाट प्रथम राजा हुए, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना उन्होंने छोड़ दिया, जाट द्वितीय राजा हुए उन्होंने भी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं की, जाट तृतीय जो हुए
उन्होंने महसूस किया कि ये तो मंत्री शक्तिशाली होते जा रहे हैं, प्रभावशाली होते जा रहे हैं और हमसे तो कभी महत्वपूर्ण बातों का भी बात नहीं करते, परामर्श नहीं करते, जिक्र नहीं करते और हमारे किसी भी राजा किसी की सम्राट किसी की रैली होती जा रही प्रशासन से वो दूर हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी शक्तियों में ह्रास हो जाएगा। जाति जी ने कहा ठीक है होता रहा है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मैं करूंगा। अब तो मेरा स्वाभाविक रूप से रोष पैदा होगा, क्यों? क्योंकि मान्य परंपरा का उल्लंघन हो रहा है। एक जाट प्रथम ने किया, जाट द्वितीय ने किया, ऐसी कौन सी बात आ गई कि आप नहीं उसको करने के तैयार हैं? इसका विरोध शुरू हुआ, मंत्रिमंडल ने इसका विरोध शुरू किया, संसद में भी इसका विरोध होना शुरू हुआ। लिहाजा जाट द्वितीय ने भी सरेंडर कर दिया कि अच्छा ठीक है, जो पहले होता था उसी तरह से चलेगा। इस तरह से परंपरा पर क्या लग गई? मुहर लग गई। और चाहे वो लिखा जाए या चाहे ना लिखा जाए, है कि नहीं है, अब वो चीज स्टैब्लिश हो गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, सम्राट नहीं करेगा। मंत्रिमंडल अपने निर्णयों को सम्राट को अवगत कराएगा, सम्राट आदेश जारी करेगा, लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श। लेकिन ये कहीं दिखा नहीं, परंपराएं भारत में, भारत क्या है? भारत में लिखे संविधान है, भारत के संविधान में चीज लिख दी है। लेकिन स्थिति क्या है? वही स्थिति है जो इंग्लैंड के सम्राट की है और जो भारत के राष्ट्रपति की है। दोनों टिटुलर हेड है, धारा 74 लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जो है बिना मंत्रिपरिषद के काम नहीं करेगा। देयर शैल बी, देयर विल भी लिखा होता हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, सलाह और मसला देने के लिए। और फिर इंगित करते हुए राष्ट्रपति को कहा गया हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू सच एडवाइस, अर्थात जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसी के अनुसार।